डियर स्टूडेंट्स, डिजिटल कम्युनिकेशन के थर्ड लेक्चर में आज हम लोग पढ़ेंगे सोर्स कोडिंग। तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि जो मैसेज सिग्नल होता है, फिर उसके बाद उसको इन्फॉर्मेशन सोर्स में देते हैं जो उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। उसके बाद से मिलता है हमें सोर्स इनकोडर। सोर्स इनकोडर करता क्या है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। मतलब कि जो भी तुम्हारा इन्फॉर्मेशन का जो सिंबल रहेगा उसको किस में करेगा, या देखो ये जो सिंबल रहेगा इसको किस में कन्वर्ट करेगा, बिट्स में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, अब ये क्यों करते हैं, सोर्स कोडिंग क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें से जो रिडंडेंट बिट होते हैं उनको रिमूव करने के लिए करते हैं, और ये डिजिटल में कन्वर्ट करता है, बिट्स में कन्वर्ट करता है, उसके बाद से इसको ट्रांसफ़र किया जाता है। और जो बिट्स हमें मिलते हैं उस बिट्स से अगर सिंबल हमें एज इट इज़ मिल जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं लॉसलेस सोर्स कोडिंग। और अगर थोड़े बहुत एरर के साथ, मतलब कि अगर जो बिट्स में कन्वर्ट किया है उससे अगर फिर से हमारा ओरिजिनल सिंबल में अगर थोड़ा बहुत लॉस होता है तो उसे लॉसी कोडिंग बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो सोर्स इनकोडर होता है वही सोर्स कोडिंग करता है। और सोर्स कोडिंग करने के मेनली हमारे पास कई तरीके रहते हैं, अलग अलग टेक्निक है कोडिंग के किया जाता है। उसमें से जो दो हमें पढ़ना है, एक होता है फिक्स्ड कोड वर्ड और एक है वेरिएबल लेंथ कोड वर्ड। तो यहाँ पे एक हम लोग एग्जांपल की सहायता से देखेंगे कि कैसे कोडिंग की जाती है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फिक्स लेंथ कोड के बारे में देखेंगे। सपोज हमारे पास 8 अल्फ़ाबेट्स हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, और इनको हमें किसी कोड में डिजिटल बिट्स में कन्वर्ट करना है। सपोज ए को हम लोग कन्वर्ट, ए को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 000 से, बी को 001, सी एज इट, इसी तरीके से एच को किससे, 111 से। ठीक है, और ये हमारे हो गए एक एक लेटर के या एक एक सिंबल के बिट्स में। अगर इसकी सहायता से अगर हमें ए बैड हेड को अगर कन्वर्ट करना हो तो क्या हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा 000, बी का क्या हो जाएगा 001, ए का फिर क्या हो जाएगा 000, डी का क्या हो जाएगा 011, एच का क्या हो जाएगा 111, इस तरीके से हम लोग सबको लिख देंगे। तो ये क्या है, अब ये हमारा जो ए बैड हेड जो एक सेंटेंस था उसका हमें डिजिटल फॉर्म में, मतलब बिट्स के फॉर्म में हमारा जो कोड मिला वो क्या हुआ, ये हुआ। ठीक है, ये हो गया। अब ये कितने बिट का होगा, क्योंकि 8 वर्ड्स हैं और एक एक, सॉरी 8 लेटर्स हैं और एक एक लेटर कितने बिट से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, 3 बिट से। तो टोटल इसमें कितने बिट हो जाएंगे, 24 बिट्स हो जाएंगे। तो ये तुम्हारा हो गया फिक्स्ड लेंथ कोड। दूसरा देखते हैं हम लोग कि वेरिएबल लेंथ कोड देखते हैं। वेरिएबल लेंथ कोड में क्या होता है, जैसे इसके पहले क्या था कि सारे जितने भी लेटर्स थे सबको हमने 3-3 बिट से रिप्रेजेंट किया था, या देखो 3-3 बिट से। इसमें क्या होता है कि वेरिएबल मतलब कि क्या होता है कि इसमें फिक्स नहीं होता है लेटर को कितने बिट से रिप्रेजेंट करेंगे, ये फिक्स नहीं होता है, वो तुम अपने हिसाब से कोडिंग बना लेते हैं। जैसे ए को 0 से रिप्रेजेंट किया है, बी को किससे रिप्रेजेंट किया है 1 से, सी को 00 से, डी को 01 से, इस तरीके से किया है। अब अगर हमें सेम जो यहाँ पे लिखे थे ए बैड हेड को इस कोडिंग की टेक्निक से अगर बिट्स में कन्वर्ट करना हो तो कैसे, क्या होगा, ए का क्या हो जाएगा 0, बी का 1, बी का क्या 1, फिर ए का फिर से क्या हो गया 0, फिर डी का क्या है 01। ठीक है, इसी तरीके से ई का, सॉरी एच का 000, फिर ए का, फिर ए का 0, फिर डी का 01। ठीक है, इस तरीके से इसको लिख दिया गया है। अब देखो कि इसमें टोटल कितने बिट्स हो गए, केवल 13 बिट्स हो गए, तो इस तरीके से लिख सकते हो। फिर एक दूसरा एग्जांपल लिया गया है, इसमें देखो इसमें भी क्या किया गया, ए को किससे रिप्रेजेंट किया गया 00 से, बी को 010 से, फिर ऐसे ही क्या करोगे, ए की जगह क्या लिख दोगे 00, बी की जगह 010, ए की जगह फिर 00, डी की जगह फिर क्या 100, ये देखो। ठीक है, फिर ऐसे ही ये पूरा लिख दोगे, तो इसमें अब टोटल कितने बिट्स हो जाएंगे, 21 बिट्स हो जाएंगे। तो ये हो गया तुम्हारा वेरिएबल लेंथ कोड। अब देखो
दोनों में एरर क्या है? अब जैसे तुम्हारे पास क्या होगा कि तुम्हें ये कोड दिया रहेगा, ठीक है, रिसीवर साइड पे क्या होगा, ये कोड दिया रहेगा, इससे तुम्हें ओरिजिनल मैसेज रिट्रीव करना रहेगा। तो उसके लिए क्या होगा, ये तुम्हें पता है कि ये 000 है। अब देखो फिक्स्ड लेंथ में तुम्हें पता रहेगा कि हर 3 बिट से एक लेटर बनेगा, तो तुम क्या करोगे, शुरू से लोगे 000 मीन्स ए हो जाएगा, फिर ये क्या है 000001, इससे तुम्हारा बी हो जाएगा, फिर ये 000 है तो इससे क्या तुम्हारा ए हो जाएगा, फिर 001 से फिर तुम्हारा डी हो जाएगा। इस तरीके से फिर कोड से हम फिर से अपना ओरिजिनल मैसेज प्राप्त कर लेंगे। इसमें देखो कोई भी एरर होने का चांस नहीं है, ठीक है। अब देखो वेरिएबल लेंथ कोड जो हम लोग फर्स्ट एग्जांपल देखे थे, इसमें क्या होगा कि जैसे ये तुम्हारा मैसेज लिखा है 01001001001001। अब देखो इसमें क्या होगा कि इसमें हमें ये पता नहीं रहता कि 1 बिट से एक लेटर है कि 2 बिट से एक लेटर है कि 3 बिट से एक लेटर है कि 4 बिट से एक लेटर है। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा क्या है, वेरिएबल लेंथ कोड है। अब तुम्हें सपोज कि ये 0 लिखा है तो तुम्हें ये नहीं समझ में आएगा कि ये 0 एक बिट लें कि 01 को एक साथ कंसिडर करें। जैसे अब देखो इसको तुम ए भी लिख सकते हो, और अगर 01 को अगर एक साथ कंसिडर कर लिए तो ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे ही ये तुम्हें यहाँ पे 000 दिख रहा है, ठीक है, तो ये 000 जी भी है, तो ये तुम्हें क्या हो सकता है, इसको जी भी कंसिडर कर सकते हो, जबकि ये क्या कर रहा था, डी को रिप्रेजेंट कर रहा था। इस तरीके से इसमें एरर आ जाता है, ठीक है। अब इसमें एरर क्यों आता है अभी बताया जाएगा। अब देखो ये जो हम लोग दूसरा वाला एग्जाम्पल देखे थे, इसमें एरर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, देखो अगर तुम ये 00 देखोगे तो तुम्हें पता है कि 00, ये देखो इधर देखोगे 00 देखोगे तो तुम्हें और कहीं 00 भी सिंबल में नहीं दिखेगा, तो ये तुम्हारा क्या होगा, केवल ए ही होगा। फिर ये 010 देखो, सिंगल 0 तुम्हें कहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। फिर 101 भी एक साथ कहीं नहीं दिखेगा इसमें, ठीक है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। फिर 010 जब चेक करोगे तो ये बी दिखेगा, तो फिर ये क्या होगा, केवल बी ही होगा। फिर 00 देखोगे, एक सिंगल 0 देखोगे, सिंगल 0 से कुछ नहीं है। फिर 00 देखोगे तो 00 से है, फिर ये ए मिल जाएगा। तो इसमें ये वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी जो पहले आ रही थी। अब देखो पहले प्रॉब्लम क्यों आ रही थी, अब देखो ये जो एच लिखे हो इसको किससे लिखो, 001 से। अब तुम्हारा 0 क्या है, ए भी है, तो इसको क्या लिख सकते हो, ए और बी भी लिख सकते हो, लिख सकते हो ना, क्योंकि बी किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, 1 से, ठीक। फिर ये जी है क्या है, 000 है, तो इसको क्या लिख सकते हो, 000 भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि ए किसको ए किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, 0 से। तो इसमें एरर आता है क्योंकि इसको बोलते हैं प्रीफिक्स एरर बोलते हैं। प्रीफिक्स एरर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो प्रीफिक्स है, जैसे देखो ये जो 0 है वो 0 यहाँ पे भी है, फिर ये जो 00 है ये 00 यहाँ पे भी है। तो जब भी ये रॉन्ग वाला कोड लेके क्यों बताया गया है कि जब भी तुम्हें इस तरीके से कोडिंग करनी होगी वेरिएबल लेंथ में, फिक्स लेंथ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन जब भी वेरिएबल लेंथ लोगे तो वो हमेशा इस तरीके से कोड बनाओगे सबका, हर एक लेटर का, ताकि किसी में प्रीफिक्स एरर ना हो, मतलब कि एक ही कोड से अलग अलग लेटर्स ना डिफाइन हो, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया। उसके बाद से हम लोग देखेंगे पल्स मॉड्यूलेशन देखेंगे। तो पल्स मॉड्यूलेशन क्या होता है, पल्स मॉड्यूलेशन में कोई भी मैसेज सिग्नल हो उसको मॉड्यूलेट करने के लिए जो कैरियर सिग्नल लेते हैं, ठीक है ना, तो कैरियर सिग्नल इसमें क्या लेते हैं, हम लोग पल्स लेते हैं, पल्सेज लेते हैं, ठीक है ना। और कंटिन्यूअस वेव में क्या होता था, एक साइन वेव लेते थे, हाई फ्रीक्वेंसी साइन वेव लेते थे, ठीक है। इसकी सहायता से जो मॉड्यूलेशन करके मिलता था हमारा, एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता था, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन। और जब पल्स ट्रेन लेके जब तुम किसी सिग्नल को मल्टीप्लेक्स करोगे तो क्या मिलेगा, PAM मिलेगा, PWM मिलेगा, PPM। PM मतलब पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन और पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। अब देखो पल्स मॉड्यूलेशन का क्या एडवांटेज है, एडवांटेज इसका क्या है कि इसमें पावर सेव होता है और नॉइज़ परफॉर्मेंस इसकी अच्छी रहती है। डिसएडवांटेज क्या है कि कॉम्प्लेक्स सर्किट और एक्सपेंसिव सर्किट होता है। और देखो पल्स मॉड्यूलेशन के डिफरेंट टाइप कौन कौन से हैं, दो पार्ट में अगर मेनली बांटा जाए तो एक एनालॉग हो गया, एक डिजिटल हो गया।
एनालॉग फिर तीन होते हैं, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स विड्थ और पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। और डिजिटल में कौन कौन से होते हैं, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, डेल्टा मॉड्यूलेशन और डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन। ये सब का नाम सुने होंगे, सब पीसी में पढ़ चुके हो, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। अब देखो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ट्रिपल स्टार मार लो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सैम्पलिंग थ्योरम क्या होता है। सैम्पलिंग थ्योरम क्या होता है कि कोई भी सिग्नल है, एनालॉग सिग्नल है, उसको जब हम लोग डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं तो जो उसका फर्स्ट प्रोसेस होता है उसमें कई स्टेप होते हैं। तो उसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है सैम्पलिंग होता है। तो सैम्पलिंग करने का एक पर्टिकुलर तरीका है कि किस तरीके से करोगे, तो वो जो तरीका बताता है वो सैम्पलिंग थ्योरम बताता है। सैम्पलिंग थ्योरम क्या बोलता है, देखो तो लिखा है कि कोई एक बैंड लिमिटेड सिग्नल है। बैंड लिमिटेड सिग्नल मतलब कि ऐसा सिग्नल जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमें पता है। ऐसा सिग्नल नहीं होना चाहिए कि जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के बारे में तुम्हें नॉलेज ही ना हो। मतलब कि कोई सिग्नल होगा एनालॉग सिग्नल, उसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला कंपोनेंट कितना है, ठीक है, विच हैज़, देखो ये लिखा है, विच हैज़ नो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट हायर देन डब्ल्यू हर्ट्स। मतलब कि उसकी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी वो कितना होगा, डब्ल्यू हर्ट्स होगा, तो उसका जो सैम्पलिंग रेट होगा वो कितना होगा, 2 W सैम्पल पर सेकेंड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सैम्पलिंग रेट। अब सैम्पलिंग क्या होता है, सैम्पलिंग मतलब कि वो सिग्नल है उसको एक सेकेंड में कितने सैम्पल उसके हम लोग लेंगे। अब देखो यहाँ पे इसकी सहायता से दिखाया गया है, डायग्राम की सहायता से देखो, जैसे ये तुम्हारा सिग्नल था XAT, ठीक है, ये तुम्हारा था एनालॉग सिग्नल, ठीक है, और ये तुम्हारा पल्स ट्रेन था ऐसे ऐसे। अब देखो जब इन दोनों को एक साथ एंड ऑपरेशन कराओगे, एंड और वाला एंड ऑपरेशन कराओगे, तो क्या होगा कि जहाँ पे ये दोनों सिग्नल हाई रहेंगे वहाँ पे आउटपुट मिलेगा। तो देखो एक सैंपल यहाँ पे मिलेगा, एक सैंपल यहाँ पे, एक सैंपल यहाँ पे, फिर एक सैंपल यहाँ यहाँ यहाँ, इस तरीके से ये जो तुम्हारा था एनालॉग सिग्नल था और ये उसका क्या मिल जाएगा, ये सिंपल मिल जाएगा, सैंपल मिल जाएगा हर एक डॉट पे, समझे। तो सैम्पलिंग थ्योरम क्या बताता है, ये तो इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन में है जो लाप्लास से निकालते हैं, ठीक है। अब देखो सैम्पलिंग थ्योरम क्या बताता है, सैम्पलिंग थ्योरम ये बताता है कि ये जो सैम्पल्स लोगे, ठीक है ना, कि एक सेकेंड में कितने सैम्पल लोगे, वो ये सैम्पलिंग थ्योरम बताता है। सपोज़ एग्ज़ाम्पल से देखो तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लो कि कोई सिग्नल है, ठीक है, उसका जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है मान लो 50 हर्ट्स है, ठीक है। जैसे मान लो कोई सिग्नल है उसमें एक कंपोनेंट या जो भी जितने भी कंपोनेंट है, कोई भी ऐसा कंपोनेंट नहीं है जो 50 हर्ट्स से अधिक हो, ठीक, तो जो सैम्पलिंग रेट होगा वो कितना होगा। देखो क्या लिखा है, 2 W सैम्पल पर सेकेंड, मतलब 2 × 50 कितना हो जाएगा, 100, मतलब कि 100 सैम्पल्स पर सेकेंड। मतलब कि एक सैंपल में कितना, एक सेकंड में कितना सैंपल लोगे, 100 सैंपल लोगे, ठीक है ना। तो अब इसी को अगर रेट पूछा जाए तो क्या होगा कि सैंपलिंग रेट कितना हो जाएगा, तो 1/100, मतलब ये कितना हो जाएगा, 10⁻²⁺ सेकेंड। मतलब कि कितने सेकेंड बाद एक एक सैंपल लोगे, तो हर 10⁻²⁺ सेकेंड बाद एक सैंपल लोगे, ठीक है ना, ये टाइम एक्सिस रहेगा ऐसे समझो। जैसे ये है, ठीक है ना, ये टाइम एक्सिस है, तो ये जो लिया गया, ये जो इंटरवल होगा वो कितना होगा, 10⁻²⁺ सेकेंड। हर 10⁻²⁺ सेकेंड के बाद एक सैंपल हम लोग कलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो ये बताता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइक्विस्ट रेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नाइक्विस्ट या निक्विस्ट रेट बोलते हैं। मतलब कि जिस रेट पे सैंपल्स लेने के बाद हमें फिर उस सैंपल से ओरिजिनल मैसेज सिग्नल प्राप्त हो जाए, वो होता है निक्विस्ट रेट या सैम्पलिंग रेट, ठीक है। अब देखो मैं बता देता हूँ, देखो जो हमारा निक्विस्ट रेट होता है, ठीक है ना, जो निक्विस्ट रेट होता है NQ, ठीक है, ये शुड बी आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 W, ठीक है, जहाँ W क्या था, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट था किसी सिग्नल में, ठीक है, और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये तुम्हारा निक्विस्ट रेट हो गया। मतलब कि जैसे समझो, ऐसे समझो एग्जांपल से, जैसे कोई सिग्नल है
उसमें तुम्हें दिया है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इसमें 10 मत लो तुम। फाइव हंड्रेड्स ले लो, ठीक है। कोई सिग्नल है उसमें मैक्सिमम कितना है, 500 हर्ट्ज़ का है, ठीक है। ये क्या तो गया तुम्हारा डब्ल्यू हो गया, और 2W कितना होगा फिर, 1000 हर्ट्ज़ हो जाएगा, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ कि जो तुम्हारा सैम्पलिंग करोगे वो उसका रेट क्या होगा, 1000 सैम्पल्स पर सेकेंड, मतलब कि 1 सेकेंड में कितने सैंपल लोगे, 1000 सैंपल। तो जो तुम्हारा सैम्पलिंग इंटरवल हो जाएगा वो कितना होगा, 1/100, तो कितना हो जाएगा, 10^-3 सेकेंड, मतलब कि 1 मिली सेकेंड, मतलब कि हर 1 मिली सेकेंड बाद एक सैंपल हम लोग लेंगे, समझ में आया। अब जैसे इस डायग्राम की सहायता से समझने का ट्राई करते हैं, ये देखो ये क्या होगा, ये दो सैंपल के बीच का इंटरवल है ना, देखो यहाँ पे हो गया, ये यहाँ पे हो गया, ये यहाँ पे हो गया, तो इनके बीच कितना रहेगा, जैसे ये मान लो अगर 0 सेकेंड है तो ये कितने सेकेंड पे होगा, 10^-3 सेकेंड पे, ये कितना होगा, 2 × 10^-3 सेकेंड पे, ठीक है। तब ये तुम्हारा सैम्पलिंग थ्योरम कहता है कि इतने रेट पे हमें लेना चाहिए। अभी क्यों कहा जाता है कि इतने ही रेट पे हमें सैम्पलिंग करना चाहिए, क्यों, क्योंकि देखो ये जो सिंगल रिकंस्ट्रक्शन है, अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो फिर से हमें सैंपल से फिर ओरिजिनल सिग्नल लेने में समस्या होगी, ठीक है। ठीक, अब देखो इसकी सहायता से देखो, इसमें हम लोग क्या देखना चाहेंगे, अब देखो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा क्या है, सैंपल्स है, और ये सैंपल से फिर हमें सिग्नल फिर से वापस चाहिए, ठीक है। अभी सैंपलिंग की में क्या पढ़े हो कि कोई सिग्नल रहता था एनालॉग सिग्नल, उसका सैंपलिंग करके उससे उसका सैंपल पा जाते थे। अब क्या है कि सैंपल्स की सहायता से हमें फिर से ओरिजिनल सिग्नल प्राप्त करना है, ठीक है। तो अगर हम लोग सैंपलिंग सैंपलिंग थ्योरम के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे, मतलब कि निक्विस्ट रेट पे अगर हम लोग सैम्पलिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, इसके सैंपल से ओरिजिनल मैसेज सिग्नल प्राप्त नहीं होगा। जैसे देखो ये हमारा क्या है, निक्विस्ट रेट पे किया गया है, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे क्या, ऐसे करके ऐसे हम लोग करेंगे तो हमें देखो ओरिजिनल सिग्नल मिल जाएगा, जैसा कि ये देखो दिखाया गया, ठीक है। बट बट अगर यही समझो कि जो हमारा सैंपल है वो सैंपलिंग रेट पे नहीं लिया गया रहता है, सपोज हम लोग क्या करते हैं कि एक एक को इसको हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं, जैसे मान लो ये वाला हम लोग हटा दिए, ये सैंपल नहीं लिया गया रहता है, फिर ये भी सैंपल नहीं लिया गया रहता है, इसी तरीके से हर एक सैंपल हटा दे रहे हैं, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, ठीक। अगर मान लो ये सैंपल रहता तो फिर इसकी सहायता से हमें अगर हम लोग सिग्नल लेते तो कैसा मिलता, सिग्नल हमें देखो कैसा मिल जाता है, ऐसे मिलता। तो ये देखो इस सिग्नल में और इस सिग्नल में डिफरेंस है कि नहीं, क्योंकि हमारा ओरिजिनल सिग्नल तो ये था, लेकिन अगर सैंपल्स अगर उस इंटरवल पे नहीं लिया गया रहता, सैंपल्स के बीच का अगर इंटरवल अधिक रहता तो क्या होता, हमारा ओरिजिनल सिग्नल नहीं मिलता। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि हमेशा निक्विस्ट रेट पे सैम्पलिंग करते हैं, ठीक है। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक्स।